नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरे पास आज एक सैमसंग का E62 आया हुआ है, जिसमें कस्टमर का कहना है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है इसमें, तो हम चालू करके एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए सेट ऑन हो रहा है, और एक बार सेट ऑन हो जाने देते हैं, उसके बाद सिम लगा के चेक कराते हैं आप लोगों को। तो देखिए मेरा सेट ऑन हो चुका है, अब एक बार जो हम इसमें सिम लगाते हैं और देखते हैं नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए सिम लगा दिए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंबल नो सर्विस का सिंबल दे रहा अभी, और एक बार आप लोगों को सिम भी चेक करा देता हूँ मैं। तो देखिए इसमें एयरटेल की सिम लगी हुई है, और इसमें मैं सर्च करके भी नेटवर्क शो करा देता हूँ कि सर्च कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर सिंबल तो दिखा रहा है, लेकिन नीचे आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखा दें, यहाँ पे देखिए इमरजेंसी लिखा हुआ आ रहा है। देखिए यहाँ पे इमरजेंसी लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये शो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन नेटवर्क नहीं, इमरजेंसी है। अब जो है हम इसमें जो है एक बार सर्च करके देखते हैं कि नेटवर्क सर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है। देख लीजिए नेटवर्क तो सर्च कर रहा है, और एयरटेल का सिम है तो एयरटेल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें। देख सकते हैं सर्चिंग, अब देखते हैं मेरा नेटवर्क जो है सेलेक्ट होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे अनेबल टू कनेक्ट ट्राई लेटर लिख दिया, मतलब नेटवर्क तो सर्च कर रहा है लेकिन सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अब ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है तो हम देखते हैं। तो पहला नंबर ये समझ लीजिए कि ये REF सेक्शन का ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि REF सेक्शन अगर सही रहता तभी आपका सिम जो नेटवर्क का वो होता है वो सर्च करता है। तो सर्च कर रहा है इसका मतलब ये सेक्शन जो मेरा है REF सेक्शन ये सही है, सही है तो सर्च कर रहा है।
अब ये प्रॉब्लम क्या है, या तो 2G IC का हो सकता है या तो 4G IC का हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो है 2G और 4G IC का सप्लाई चेक करेंगे, तो सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है या शॉर्टिंग है, क्योंकि ये वाटर डैमेज सेट है, आप देख सकते हैं इसमें ये वाटर डैमेज सेट है। तो सप्लाई इस पर चेक करके हम देखते हैं एक बार कि मेरा सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले हम इस पर शॉर्टिंग चेक करेंगे, तो शॉर्टिंग पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम सप्लाई चेक करेंगे। तो चलिए इसको निकाल देता हूँ बैटरी को, और जो है हम मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में सेट किया हूँ। तो देख सकते हैं ये मेरा यहाँ से VPH लाइन से सप्लाई आता है 3.7 से 4.2 वोल्टेज तक। यहाँ पर पहले शॉर्टिंग हम चेक करते हैं, तो देखिए एक तरफ से रीडिंग आ रहा है और दूसरे तरफ से भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे तरफ से भी रीडिंग आ रहा है, मतलब शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर एक सप्लाई आता है, देख सकते हैं यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। इस कैपेसिटर पे भी देखिए शॉर्टिंग नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे भी शॉर्टिंग है। अब जो है हम चालू करके तो देखिए नेटवर्क भी नहीं है। और अब हम जो है सप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम VPH लाइन को चेक करेंगे कि यहाँ पर जो है VPH लाइन से सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 3.7 वोल्टेज यहाँ सप्लाई आ रहा है। अब जो है हम एक सप्लाई यहाँ आती है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई सप्लाई नहीं आ रही है, और यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं आ रही है। तो एक बार हम यहाँ ये लाइन से सप्लाई आ रही है यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 3.7 सप्लाई आ रही है, लेकिन वही सप्लाई जो है मेरा यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो है सप्लाई नहीं आ रहा। तो हम आप लोगों को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो है, थोड़ा जूम करते हैं, आप लोगों को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक क्वाइल रहता है, ये जो क्वाइल यहाँ रहता है एक, ये जो सप्लाई आ रहा है मेरा यहाँ से, ये जो सप्लाई आ रहा है ये क्वाइल के माध्यम से इस IC को मिलता है, और यहाँ से क्वाइल जो है वाटर डैमेज के वजह से निकल गया है। अब जो है यहाँ पे हम एक जो है जम्पर लगाएंगे, इसे जम्पर लगा के उसके बाद हम चेक करते हैं कि मेरा नेटवर्क आता है या नहीं आता है, लगा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मेरा नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದೇನಾಗಿದೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದವು ಸರಿ ನಡದಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅವರ್ ನಡದಿ ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಮತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಈ ಐದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ। देखिए जम्पर लग चुका है, अब जो हम इसको एक बार चालू करते हैं और चेक करते हैं कि नेटवर्क आता है या नहीं आता है। ಹೌದು
और एक बार हम जो है वहाँ पर सप्लाई भी चेक कर लेते हैं कि अभी आईसी के पास सप्लाई आया है नहीं आया। तो देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई भी आ गया आईसी पे। अब जो हम एक बार चेक करते हैं कि मेरा नेटवर्क आया या नहीं आया। देख सकते हैं यहाँ पे आर लिख दिया और नेटवर्क भी आ गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए एयरटेल लिख दिया है, मतलब इसमें नेटवर्क आ चुका है। तो इसे आप रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।